हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि आप लोग गूगल एड्स के थ्रू अपनी किसी भी यूट्यूब वीडियो को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो फिर मैंने टाइम वेस्ट किया, चले शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले अपना गूगल एड्स का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास गूगल एड्स का अकाउंट नहीं है और आपको गूगल एड्स अकाउंट बनाना सीखना है कि गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। मैं आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप उस वीडियो को सिंपली से ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ कि आप अपना गूगल एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आप अपना गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसमें अपना ₹2000 के एड क्रेडिट का कूपन कोड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपना एड कैंपेन कैसे रन करना है। तो अभी मैंने यहाँ पर अपना गूगल एड्स का अकाउंट खोल लिया है, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मेरे गूगल एड्स अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैं इसके लिए मैं यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद बिलिंग वाले सेक्शन में समरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिख जाएगा कि मेरे गूगल एड्स अकाउंट में कितना बैलेंस अभी फिलहाल अवेलेबल है। अभी फिलहाल मेरे गूगल एड्स अकाउंट में ₹1490 अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको न्यू कैंपेन का आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तब यहाँ पर ये आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग लेगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको वीडियो पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको सिंपली से कंटिन्यू कर देना है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ पर इस टाइप से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कैंपेन नेम पूछा जाएगा, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये सिर्फ फ्रेंड्स किसी को डिस्प्ले नहीं होता है, सिर्फ आपके लिए होता है, जिससे कि आपको याद रहे कि आपने कब कब कौन सी वीडियो प्रमोट करी थी। आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, किसी और को डिस्प्ले नहीं होगा आपके अलावा। तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरे को जिस वीडियो को प्रमोट करना है, मैं उससे रिलेटेड यहाँ पर डाल देता हूँ। मेरे को अभी एक दूसरे चैनल से वीडियो प्रमोट करनी है, तो मैं उससे रिलेटेड यहाँ पर ये टाइटल डाल देता हूँ। अब फ्रेंड्स, आपको नीचे जो दूसरी चीज़ मिलती है वो मिलती है बिड स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है कि आप पैसे कैसे देना चाहते हैं। आप मैक्सिमम CPV पर देना चाहते हैं। मैक्सिमम CPV का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपकी वीडियो पर एक व्यू का आप मैक्सिमम कितने पैसे देना चाहते हैं, कॉस्ट पर व्यू। और फ्रेंड्स, दूसरा होता है टारगेट CPM, मतलब कि आपकी वीडियो का जो थंबनेल है उसको 1000 लोगों तक दिखाया जाएगा, और 1000 में से आपकी वीडियो को कितने लोग देखें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो को 1000 लोगों तक दिखाने के पैसे आपसे ले लिए जाएंगे। चाहे आपकी वीडियो 1000 में से कितने भी लोग देखें, उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा फ्रेंड्स मैक्सिमम CPV, जिससे कि अगर कोई मेरी यूट्यूब वीडियो को देखेगा तभी मेरे पास से पैसे कटेंगे, वरना मेरे पास से कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। तो फ्रेंड्स, हम नीचे यहाँ पर आप अपना बजट एंटर कर सकते हैं कि आपका कितना बजट है। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स, अपना टोटल बजट जितना था मेरे पास ₹1490 ही यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली से एंटर कर देता हूँ ₹1490। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एंड डेट कितनी है, कि आप अपने कैंपेन को कब तक रन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर सिंपली से इसको आज 8 से 15 तक रहने देता हूँ। यहाँ पर ये आ जाएगा, इस टाइप से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेटवर्क्स में आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन को अनचेक कर देना है, और आपको इसको क्लोज कर देना है। बाकी आपको दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। मैं अभी अपना कैंपेन को 8 सितंबर से 15 सितंबर तक चलाना चाहता हूँ, और मेरा जो कैंपेन टोटल यहाँ पर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास अभी टोटल 1490 रुपीज़ अवेलेबल थे, इसलिए मैंने इतने ही डाल दिए। बाकी आप जितने रुपीज़ का एड चलाना चाहते हैं आप यहाँ पर उतनी अमाउंट डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना जो एड है वो आप किस कंट्री में दिखाना चाहते हैं। आप यहाँ पर कोई और कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऑल कंट्रीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑल कंट्रीज ना सिलेक्ट करें, आप सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को यहाँ पर सिलेक्ट करें जिसमें वो लैंग्वेज बोली जाती हो जो कि आपकी वीडियो में है। जैसे कि अभी मेरी वीडियो हिंदी में है, तो मैंने ये तीन कंट्री सेलेक्ट कर रखी है, इन तीनों में ही हिंदी बोली जाती है, इसलिए मैंने ये तीनों कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है। लेकिन मैं अभी इन तीनों कंट्री को रहने देता हूँ, मैं अभी सिर्फ पूरे इंडिया में ही एड्स रन कर लेता हूँ। मैं अभी यहाँ पर सिर्फ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपनी वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो जो है फ्रेंड्स हिंदी में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट रख रखी है। आपकी वीडियो जिस भी लैंग्वेज में, आप यहाँ पर वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको नीचे इन्वेंटरी टाइप का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो सिलेक्ट है आपको वही रहने देना है। और फ्रेंड्स, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेवल्स में आके आपको एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोज, बस आपको इस पर चेक कर देना है, और बाकी आपको सबको ऐसे ही रहने देना है। आपको यहाँ पर सिर्फ एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोज को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, एडिशनल सेटिंग्स में आना है। फ्रेंड्स, एडिशनल सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना एड किस डिवाइस पर दिखाना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर सारे डिवाइस रहने देता हूँ। अगर आप कोई पार्टिकुलर डिवाइसेस सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आप अपना सिर्फ कंप्यूटर पर या मोबाइल फ़ोन पर सिर्फ, या सिर्फ टैबलेट्स पर, या सिर्फ टीवीज पर, या फिर आप जिस भी अपने डिवाइसेस पर ऐड शो करना चाहते हैं, आप उन डिवाइसेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मेरे को अपना ऐड खाली टैबलेट्स पर नहीं दिखाना, बाकी मेरे को सब डिवाइसेस पर दिखाना है, तो मैं टैबलेट्स को अनचेक कर दूंगा। और अगर मान लीजिए मेरे को सिर्फ अपना मोबाइल फोन्स पर ही दिखाना है और किसी पर नहीं दिखाना, तो मैं बाकी सारे ऑप्शंस को अनचेक कर दूंगा, सिर्फ मोबाइल फोन्स पर टिक रहने दूंगा।
लेकिन फ्रेंड्स अभी फिलहाल मेरे को अपना जो ऐड है वो मेरे को सारे डिवाइसेस पर दिखाना है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं अपना ऐड सारे डिवाइसेस पर ही दिखा दूंगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो दूसरी चीज़ मिल जाती है वो मिल जाती है फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी कैपिंग। अब यहाँ पर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कैप कर सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन शो। आप अपना ऐड का जो इंप्रेशन है मतलब आपका थंबनेल है वीडियो का, वो आप अपना एक ही यूजर को कितनी बार दिखाना चाहते हैं। आप अपना एक बार पर मंथ दिखाना चाहते हैं या एक बार पर वीक में दिखाना चाहते हैं, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप 5 बार दिखा सकते हैं एक दिन में या कितना भी। अभी फिलहाल मैं इसको नहीं करूँगा, आप सिंपली से व्यू को भी कर सकते हैं, आप व्यू की फ्रीक्वेंसी को भी कैप कर सकते हैं। आप उसको अगर अपना कैंपेन दोबारा से शो नहीं करवाना चाहते तो इससे आप कर सकते हैं कि जिस बंदे ने आपकी वीडियो को एक बार देख लिया उसको आपके वीडियो को दोबारा से शो ना हो तो आपके कैंपेन को दोबारा से नहीं देख पाएगा। आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, अभी फिलहाल मेरे को ये नहीं करना है। अब फ्रेंड्स एड शेड्यूल भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स डेमोग्राफिक्स में आ जाते हैं, डेमोग्राफिक्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको अपना ऐड किस किस को दिखाना है। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पर सबको रहने देता हूँ, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी एज इसको हटा देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से, बाकी आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जिसको भी आप अपना ऐड दिखाना चाहें। और फ्रेंड्स ऑडियंसेस में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कीवर्ड्स वगैरह ऐड नहीं करूँगा, ना ही मैं अभी यहाँ पर टॉपिक भी ऐड करने वाला हूँ फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बिडिंग सेलेक्ट करनी है कि आप एक व्यू का मैक्सिमम कितना पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर मैक्सिमम CPV सेलेक्ट किया था। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 0.10 पैसा कर देता हूँ, बाकी आप जितना करना चाहें आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड मैं यहाँ पर इसको सिंपली से 0.10 पैसा कर देता हूँ। और फ्रेंड्स ये आपसे मांगेगा यहाँ पर आपको अपनी उस वीडियो का URL देना है जिसको कि आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली से YouTube पर से उस वीडियो का जो URL है जिसको कि मेरे को प्रमोट करना है मैं उसका URL कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर से सिंपली से YouTube को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मेरे को जिस चैनल को प्रमोट करना है मैं उसको सर्च कर लेता हूँ सिंपली से। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उस चैनल को सर्च कर लेता हूँ फ्रेंड्स जिसको कि मेरे को जिस चैनल की वीडियो को मेरे को प्रमोट करना है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर से उसको सर्च कर लेता हूँ। फ्रेंड्स ये वो चैनल है जिसकी मेरे को वीडियो प्रमोट करनी है, मैं यहाँ पर वीडियोज़ में चला जाता हूँ। और फ्रेंड्स वीडियोज़ में जाने के बाद तो फ्रेंड मैं अभी इस वीडियो को ओपन कर लिया, मैं इसको यहाँ पर से सिंपली से कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मेरे को अब इस चैनल की ये वाली वीडियो प्रमोट करनी है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स इस वीडियो का सिंपली से यहाँ से जो URL है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको मेरे को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे फ्रेंड मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा ये वीडियो को डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर मेरे से पूछेगा कि मेरे को स्कीपेबल दिखाना है या फिर वीडियो डिस्कवरी। फ्रेंड्स अगर आप स्कीपेबल वीडियो एड्स दिखाएंगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जब भी कोई बंदा कोई यूट्यूब वीडियो को प्ले करेगा तो उस वीडियो से पहले जो स्कीपेबल एड्स आते हैं आपने देखा होगा जिनको कि आप स्किप कर सकते हैं, इस टाइप में आपकी वीडियो शो होगी। अगर आप ये चलाएंगे स्कीपेबल इनस्ट्रीम एड ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। और दूसरा है फ्रेंड्स वीडियो डिस्कवरी एड्स, इसमें फ्रेंड्स आपकी वीडियो कुछ इस टाइप से शो होगी, अगर किसी को क्लिक करके देखनी है वो तभी आपकी वीडियो को ओपन करेगा आपकी वीडियो के थंबनेल से, अगर किसी को आपकी वीडियो अच्छी लगेगी तो, अगर किसी को आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वो आपकी वीडियो को नहीं ओपन करेगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही सिलेक्ट करें, बाकी आप ये करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा इसके कंपैरिजन में वीडियो डिस्कवरी एड्स के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं क्या दिखाना चाहते हैं। अभी फिलहाल जो फ्रेंड्स थंबनेल मैंने वीडियो पर लगाया हुआ है मैं वही सिलेक्ट रहने देता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप हेडलाइन एंटर कर सकते हैं, अभी फिलहाल मैं यहाँ से हेडलाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं फिलहाल हेडलाइन ये वाली रहने देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और फ्रेंड्स मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ, या फ्रेंड्स चलिए मैं इसको पूरा ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हेडलाइन में, क्योंकि हेडलाइन में 100 कैरेक्टर्स तक की लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको पूरा ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा, इसको रिमूव करके यहाँ पर इसको पूरा पेस्ट। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे से डिस्क्रिप्शन वन और डिस्क्रिप्शन टू पूछा जाएगा, जो हेडलाइन होती है फ्रेंड्स वो यहाँ पर शो होती है, ये आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ही ये लिख देता हूँ, सिर्फ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन वन और डिस्क्रिप्शन टू में मैं अभी फिलहाल यही लिख देता हूँ। और फ्रेंड्स अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर अगला ऑप्शन जो मिल जाएगा नीचे वो मिल जाएगा क्रिएट कैंपेन। अब मैंने जो कुछ भी करना था वो सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियोस पर कितने व्यूज़ आ जाएंगे और मेरे को एवरेज CPV कितनी मिलेगी। फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऊपर जाकर अगर आपको अपना बजट थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको अपने ऐड 500 रुपीज़ का चलाना है तो आप यहाँ पर 500 रुपीज़ से भी एड्स अपना रन कर सकते हैं, जो भी आपके ना जितने भी रुपीज़ स्पेंड करना चाहते हैं जितने भी रुपीज़ का आपका बजट है आप यहाँ पर वो एंटर कर सकते हैं। अभी फिलहाल जैसे कि मैं 1490 रुपीज़ ही रहने देता हूँ। और इसके बाद मेरे को यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट कैंपेन का। अब फ्रेंड मेरे को क्रिएट कैंपेन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मेरे लिए से कन्फर्मेशन के लिए कहेगा, मैं कंटिन्यू टू कैंपेन पर क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स जैसे ही मैं कंटिन्यू टू कैंपेन पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो मेरा कैंपेन है यहाँ पर आ चुका है। थोड़ी देर बाद इसमें व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे,
फ्रेंड्स, अगर आपके कैंपेन में व्यूज़ नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर जो मैक्सिमम सीपीवी है आप इसको थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करके चेक करिएगा। अगर आपका कैंपेन अप्रूव्ड हो जाता है फिर भी आपके कैंपेन पर व्यूज़ नहीं आते हैं, आपको ऐसे सिर्फ तभी करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके को फॉलो करके आप अपनी किसी भी यूट्यूब वीडियो को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।